तो बांग्लादेश में हिंदू आबादी को टारगेट के साथ साथ कट्टर जमात सनातन आस्था पर भी चोट कर रही है। साजिशन स्कॉन को निशाने पर लेकर इसे आतंकी संस्था साबित करने की प्लानिंग की जा रही है। ये रिपोर्ट भी देखिए। कट्टरपंथियों का अत्याचार, बांग्लादेश में हिंदू बन रहे शिकार। बांग्लादेश का ब्लैक चैप्टर हिंदुओं के लिए टेरर, नफरती गैंग का धर्म जिहाद, कट्टरपंथ से मुल्क बर्बाद। साजिश का केंद्र बिंदु, टारगेट सिर्फ हिंदू। इस एक चेहरे से बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात डरी हुई है, चिन्मय प्रभु। इस्कॉन के सदस्य चिन्मय की गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेश में इस्कॉन नफरती गैंग के टारगेट पर है। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े एक ताजा मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर इस धार्मिक संस्था के खिलाफ बांग्लादेश में रची जा रही साजिश बेनकाब हो गई है। बांग्लादेश की सियासी फिजा में नफरती एजेंडा इस कदर काबिज हो चुका है कि हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जाने लगा है। बांग्लादेश की इमिग्रेशन पुलिस ने वैध पासपोर्ट और वीजा के साथ भारत आ रहे इस्कॉन के 54 सदस्यों को बॉर्डर पर रोक लिया है। ये लोग एक धार्मिक समारोह में भाग लेने भारत आ रहे थे। इमिग्रेशन अधिकारियों ने सरकारी परमिशन न होने का हवाला देकर इस्कॉन के सदस्यों को बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं दी। इट्स ए रेडिकल गवर्नमेंट, एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, एंटी हिंदू गवर्नमेंट। फॉर दैट रीजन दे आर ट्राइंग टू destroy the temples and illegal detention of the Hindu monk and saints. दरअसल अगस्त महीने में जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद यूनुस ने सलाहकार के तौर पर सत्ता संभाली, तभी से अल्पसंख्यक आबादी और इस्कॉन कट्टरपंथियों के टारगेट पर आ गया था। इसके बाद कट्टरपंथी जेएमबी यानी जमात उल मुजाहिदीन के सरकार के समर्थन में आ जाने से इस्कॉन पर खुलेआम हमले शुरू हो गए। बताया जा रहा है कि चिन्मय दास की गिरफ्तारी हो या फिर इस्कॉन मंदिरों को टारगेट करना, इसके पीछे जेएमबी की साजिश है। बांग्लादेश में इस्कॉन के 77 से ज्यादा मंदिर हैं। वहां लगभग हर जिले में एक इस्कॉन मंदिर है जिनसे लगभग 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। ये बात मुस्लिम कट्टरपंथियों को खटकती है। बांग्लादेश में हिंदू कितने असुरक्षित हो गए हैं, इसकी वानगी है रंगुनिया की ये तस्वीरें, जहां कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ आक्रामक नारों से आग उगल रहे हैं, खुलेआम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं। इस्कॉन के ऊपर अंकुश लगाने की जो कुत्सित प्रयास हो रहे हैं, ये बांग्लादेश को अपने उसमें गर्त में ले जाने की कोशिश हो रही है। और जिस तरह से कट्टरपंथियों को खुला छोड़ करके और जिहादियों को वहां पर जन्नत बनाने की कोशिश हो रही है, उससे बांग्लादेश का भला नहीं होने वाला। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी का दावा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के पीछे जेएमबी यानी जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का हाथ है। जेएमबी बांग्लादेश में एक्टिव एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन है। अगस्त महीने में दो अलग अलग घटनाओं में लगभग 700 कैदी वहां की जेलों से भागने में कामयाब रहे थे, जिनमें से कई जेएमबी समर्थक या नेता थे। शेख हसीना के बांग्लादेश से बाहर निकलने के बाद इन कैडरों और अन्य संगठनों ने हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। खुफिया इनपुट के बाद जेएमबी के वही कैडर अल्पसंख्यकों पर हमलों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे सड़कों के अलावा जेलों में भी हिंदुओं को निशाना बनाने की आशंका बढ़ गई है। भारत और ब्रिटेन समेत कई देशों ने यूनुस सरकार से अपील की है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा जल्द से जल्द रोकी जाए, लेकिन इसका असर दिख नहीं रहा है। टीम न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।